नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। लोग टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके, लेकिन यूपी का बागपत कर्मचारियों के हेलमेट पहनने की वजह से चर्चा में बना हुआ है। बागपत में बिजली विभाग के दफ्तर में कर्मचारी बिना हेलमेट के दफ्तर के अंदर तक नहीं जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी क्या मजबूरी है जहां कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। इनका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला बागपत जिले के बड़ौत शहर के पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय का है, जहां का भवन इतना जर्जर है कि छत से प्लास्टर गिरता रहता है। लोगों को हादसे का डर सताया तो जान बचाने के लिए कर्मचारियों ने हेलमेट लगाकर काम करना शुरू कर दिया। यहां काम करते समय इंजीनियर, क्लर्क और संविदा कर्मियों सहित राज्य बिजली विभाग के 40 से ज्यादा कर्मचारी हेलमेट पहनने के लिए मजबूर हैं। हालत यह है कि कर्मचारी काम करते रहते हैं और प्लास्टर के टुकड़े छत से गिरते रहते हैं। यही वजह है कि चोट लगने के डर से परेशान कर्मचारी अब हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने इसकी विभाग में कई बार शिकायत भी की है, लेकिन ना तो आज तक विद्युत कार्यालय की मरम्मत हुई और ना ही इस ओर ध्यान दिया गया, जिससे परेशान कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी हेलमेट लगाकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि शिकायत करने के बाद अधिकारियों द्वारा एक बार सर्वेक्षण भी किया गया था, लेकिन कोई भी मरम्मत का काम नहीं हुआ। यहाँ पर प्लास्टर गिरने से कई बार कर्मचारी चोटिल भी हो चुके हैं। उन्हें डर है कि कभी भी उनके ऊपर लिंटर गिर सकता है और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, जिसके डर से ही विद्युत विभाग में मौजूद कर्मचारी हेलमेट पहनकर दफ्तर में काम करते हैं। बागपत के जिलाधिकारी राजकमल यादव ने मामले पर संज्ञान लिया है। दरअसल इन कर्मचारियों का वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये एक गंभीर मामला है और इस सिलसिले में यूपी के पश्चिम यूपी डिस्कॉम MD PVVNL से जांच की रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब देखना यह है कि क्या इन कर्मचारियों की समस्या का निदान हो पाता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। कमेंट करके जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।